तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही चटपटी और करारी कबाब, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पैकेट न्यूट्रेला लिया है और इसको थोड़ा पानी में हम इसे डाल के बॉईल कर लेंगे। यहाँ हमारा बॉईल हो गया है, फिर हम देख लेंगे, ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गया, फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम बना रहे हैं इलायचीस चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हरा धनिया, हरा मिर्च, लहसुन और यहाँ पे लिया है मैंने आम का अचार, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर स्वाद अनुसार नमक डाल करके मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये हमारी चटपटी सी चटनी बन करके बहुत ही जल्दी तैयार हो गई। आप इसके साथ इसे बनाएंगे तो खाने का स्वाद और बढ़ जाएगा। फिर यहाँ हमारी सोयाबीन को मैंने साफ पानी से धो करके इसका अंदर का पानी इसे निचोड़ लिया है। अब हम यहाँ लेंगे मिक्सर जार और इसमें सोयाबीन को दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा, इतना स्टेज पे आपको मिक्सर बंद कर देना है और ये तैयार है। फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं हरा मिर्च और लहसुन की कली और थोड़ा सा नमक, इसे हम खन्नी में ही बिल्कुल बारीक कूट लेंगे। यहाँ देखिए इतना पे कूट लेना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम ले रहे हैं सोयाबीन जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन, 1/2 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर हमने हरी मिर्च और लहसुन को कूट के रखा था वो डालेंगे और फिर हम इसे हाथों से हिला लेंगे। यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था, फिर मैंने 1/2 कप बेसन और लिया है। ये कबाब बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, इसलिए आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं वुड स्पून, जिसकी हेल्प से हम इसे बीच में इसको रखेंगे और इसे हम कबाब को एक अच्छा सुंदर सा शेप दे देंगे, जिससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल हाथों से ऐसे बिल्कुल बराबर से करके हमें इसे बना करके तैयार कर लेना है। ये देखिए ये बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह हम बाकी के भी कबाब बना करके तैयार कर लेंगे। और अब मैंने ऑयल को पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था और ये गर्म हो गया है। फिर हम एक एक डालेंगे और इसे गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। न्यूट्रेला कबाब ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा, और जो एक बार खाएगा इसका स्वाद नहीं भूल पाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे कबाब दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और एक अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ गया है। फिर इतने पे हम इसे बारी बारी से निकाल लेंगे। यहाँ हमारा बहुत ही डिलीशियस कबाब बन करके तैयार है और देखने में भी बिल्कुल यूनिक लग रहा है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोज नए रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।